हंदवाड़ा में फिर हंगामा। सेना पर हमले और पथराव के दौरान फायरिंग में एक और शख्स की मौत, चार और लोगों को भी लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बैंकों के 9000 करोड़ डकार कर विदेश में बैठे विजय माल्या का पासपोर्ट सस्पेंड। ईडी की सिफारिश पर सरकार ने की कार्रवाई, सात दिन का नोटिस देकर पूछा क्यों न रद्द ही कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर उठाया आतंकी मसूद अजहर के बैन का मुद्दा, चीन का नाम लिए बगैर कहा प्रतिबंध रोकने के लिए हिडन वीटो का हुआ इस्तेमाल, यूएन तय करे जवाब देगी। उदयपुर के टीबी सेनिटोरियम अस्पताल के अधीक्षक महेंद्र कुमार पर गंभीर आरोप, महिला ने लगाया शादी का झांसा देकर कई साल तक दुष्कर्म का आरोप, जयपुर के अशोकनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। चुरू जिला जेल में कैदी और आरएसी जवान के बीच मारपीट, कैदी से खर्चा पानी के नाम पर रुपए न देने पर हुआ विवाद, 13 बटालियन के गार्ड ठोटू ड्राम पर आरोप, वहीं जेल में मोबाइल मिलने से भी हड़कंप। जैसलमेर के बडोड़ा गांव में दो गुटों में आपसी विवाद, खूनी संघर्ष में तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखावाटी के वार्ड सपूत गोकुल चंद को दी गई अंतिम विदाई, सीकर के नीम का थाना कस्बे में हुआ अंतिम संस्कार, मणिपुर में ड्यूटी के दौरान हुए शहीद। प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया रामलला का जन्मोत्सव, राम मंदिर में उमड़े राम भक्त, राजधानी में भी निकाली गई शोभा यात्रा। 20 दिन में 5 रुपए बढ़ाए और अब 30वें दिन मामूली राहत, पेट्रोल 74 पैसे और डीजल 1 रुपए 30 पैसे हुआ सस्ता, आज 12 बजे रात से लागू होंगी घटी कीमतें।